हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद खुशी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना करेंगे चैप्टर नंबर 10, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की टोटल 2 पार्ट्स है, अलग अलग पेजेस के ऊपर 2 पार्ट्स है, तो हम इन 2 पार्ट्स को 2 वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ कि यहाँ से सब लोगों का मानना था कि जो विजय सिंह है, एक मशहूर रेसलर, उसको कोई हरा नहीं सकता और वहाँ पर वो पूरे दिन अपनी बड़ाई मारता रहता था, विजय सिंह। और एक बार उसने अपनी इतनी बड़ाई मार दी कि उसे भूतों तक से लड़ने की नौबत आ गई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पहलवान था जिसका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। वो बहुत ही लंबा था, उसके डोले शोले बने हुए थे, बहुत बड़े चौड़े कंधे थे उसके, वो बहुत ही लंबा भी था। तो विजय सिंह जो है, वो लोगों से लोग क्या कहते थे विजय सिंह के बारे में, कि वो तो पैदा ही रेसलर हुआ है, उसे कोई भी, हमारे पूरे संसार में कोई भी रेसलर उसे नहीं हरा सकता। लेकिन उस पहलवान की बस एक कमी है। क्या कमी है? कि वो पूरे दिन अजीब अजीब सिचुएशंस के अंदर पड़ जाता है। वो अजीब अजीब सिचुएशंस के अंदर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसकी आदत है बोस्टिंग करने की। बोस्टिंग मतलब अपनी झूठी तारीफें करना। एक दिन वो मार्केट में बैठा था और उसके अराउंड, आप यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके अराउंड बहुत से यंग मैन से, उसने बहुत सारे ग्लासेस पी चुके थे मिल्क के, उठा कि लोग भूतों से इतना डरते क्यों है, मैं तो भूत से डरता ही नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई भूत प्रेत आ जाए और मैं उसको एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। तो अब लोग बहुत खुश हुए कि विजय सिंह इतनी क्षमता रखता है कि वो भूतों से लड़ जाए। लेकिन लोगों को आशंका भी थी, अप्रिहेंशन मीन्स आशंका भी थी लोगों को कि क्या वो उस भूत से लड़ सकता है। तो पीछे बड़बड़ाहट होती रही और तालियां बजती रही और लोगों के मन में आशंका थी। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि अगर, कहा जाता है कि अगर तुम उस हॉन्टेड भूतों वाले डेजर्ट के अंदर अकेले जाते हो तो तुम एक घोस्ट, तुम एक भूत से मिलोगे जो कि वहां पर आराम से फ्रीली ऐसे ही घूमता रहता, अजीब अजीब चीखों की आवाज तुम्हें सुनाई देगी और जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, वो वहाँ पर लूट लिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। तो वो कहता है कि विजय सिंह, तुम क्या तुम सच में वहाँ से वहाँ पर जाना चाहोगे? तो विजय सिंह क्या कहता है कि वो, मतलब उसकी दिल की धड़कनें ऐसे होती है धक धक, मतलब उसका दिल धक सा रह जाता है कि अब उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो अभी ओकर सिचुएशन में पड़ गया ना, क्योंकि उसने अपनी झूठी तारीफ की, उसने ये कह दिया कि वो भूतों से डरता नहीं है, बट मे बी वो डरता हो और मे बी वो ना डरता हो, लेकिन उसका दिल धक धक ऐसे करने लग गया। तो उसने कहा कि हमें, वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, अब वो सोचता है, मन मन में सोचता है कि उसे इतनी ज़्यादा झूठी बड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो अचानक से नॉन चेंटली यानी अकारण ऐसे ही बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है उस हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में और मुझे लगता है कि वो बस क्या है, एक परियों की कहानी है, कुछ सच नहीं होगा, और वो होगा तो भूत कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा। तो एडमायरर्स कहते उसके सामने वाले लोग कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है। यहाँ से करीबन 10 माइल्स अवे एक रोड है, जैसलमेर का उसका लैंडमार्क, वहाँ का लैंडमार्क यानी वो जगह किस चीज़ के लिए जानी जाती है, वहाँ पर एक अगली गंदी सी ब्लैक कलर की रॉक दिखेगी तुम्हें, जो कि कैसे लगती है, कैमल की हेड की तरह लगती है, वहाँ पर तुम्हें जाना है। तो इसके अलावा जो बियॉन्ड दिस, अब वो आदमी कहता है कि उस रॉक के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस क्या है, एक मिट्टी मिलेगी आपको, जानवर मिल सकते हैं और घोस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। विजय सिंह सेट आउट, तब विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट के लिए निकल जाता है और एक ओल्ड वुमेन उसे एक छोटा सा पैकेट देती है जिसके अंदर एक अंडा होता है और एक लंप ऑफ साल्ट, थोड़ा सा साल्ट होता है। तो जो विजय सिंह है वो एक भूत से मिलता है, वो क्या कहता है कि वो उसका दोस्त है नटवर। तो अब मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने ये रीड कर चुका है। Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh. तो उस दिन पूरा का पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया था विजय सिंह को विदा करने के लिए, to bid farewell यानी विदाई, विजय सिंह को विदा करने के लिए, जो कि उधर कौन सी जगह, जैसलमेर जाने के लिए तैयार हो गया था, जैसलमेर जाने के लिए। तो वहां पर वो जाता, उससे पहले एक बूढ़ी औरत आई और उसे एक छोटा सा पैकेट दे दिया उसके हाथों में, जिसमें क्या था, विजय सिंह ने डेजर्ट की तरफ जाना शुरू करा। अब उस पैकेट के अंदर क्या था, एक अंडा था और थोड़ा सा साल्ट था,
एज ही वॉक्ड, जैसे ही वो चला, नाइट डिपेंड यानी रात, मतलब बहुत रात हो गई, आधी रात हो गई, और जो वो मून था वो बहुत चमक रहा था, और जो स्टार्स थे वो भी राजस्थान की स्काई में बहुत अच्छे से स्टार्स शाइन करते हुए दिख रहे। तो कुछ दूर, कुछ ही दूरी थी, मतलब उसकी डेस्टिनेशन कुछ ही दूरी पर थी, उसकी मंजिल कुछ दूरी पर ही थी। फिर विजय सिंह को याद आया कि उस बूढ़ी औरत ने उसे एक पैकेट दिया था, फिर उसने वो पैकेट खोल के देखा, और फिर उसने देखा कि उसके अंदर है एक लंप ऑफ साल्ट, थोड़ा सा नमक है और एक अंडा है। और वो जो वुमेन थी, वो जो ओल्ड वुमेन थी, वो अपने एसेंट्रिसिटीज, मतलब अपने सनक सनक पर यानी अपने पागलपन के लिए जानी जाती थी। तो जैसे ही विजय सिंह ने हॉन्टेड डेजर्ट के अंदर अपना पहला कदम रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन डेजर्ट, कि विजय सिंह तुम इस डेजर्ट में खो गए हो, इस तरफ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। फिर विजय को एक बार तो लगा कि वो भूत होगा, फिर उसने थोड़ी सी जो आवाज़ थी वो थोड़ी अपनी ताकत भरी आवाज में कहा कि कहाँ हो तुम मेरे नटवर दोस्त, मेरे दोस्त नटवर, मैं तुम्हें इस अंधेरे में देख नहीं पा रहा हूँ। तो लाइक ऑल गुड रेसलर्स, उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ हो, किस रास्ते में मुझे जाना है, तुम मुझे बताओ। तो हर अच्छे रेसलर की तरह विजय सिंह पहले अपने एनिमी का साइज देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है। तो सून द गोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड, तो जब गोस्ट उसकी साइड आ गया तो विजय ने उसको अच्छे से देखा, विजय सिंह ने उसका अच्छे से देखा और कहा, उसका फेस अच्छे से देखा और कहा, यू आर जस्ट अ प्लेन लाइंग गोस्ट, तुम एक बस क्या हो, बस एक झूठ बोलने वाले भूत हो। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, अब कुछ भी हो मुझे पूरी रात नहीं चलते रहना है, तो अब मैं तुमसे मिल लिया हूँ, तो अब तुम्हें अपनी इंसल्ट कराने की, क्योंकि अब उसने उसकी इंसल्ट कर दी, उसने क्या कहा कि तुम तो बस एक झूठे क्या हो, भूत हो, और मैं अब तुमसे और बात नहीं करना चाहता, मैं और चलना भी नहीं चाहता, मुझे और तुम जैसे और भूतों से मिलना भी नहीं है। तो अब जो घोस्ट था उसे अपनी इंसल्ट सुनना पसंद नहीं था, तो उसने क्या कहा कि जो लोग जनरली आते हैं इस हॉरर डेजर्ट में, जब वो मुझसे मिलते हैं तब कर गिर जाते हैं, ओके, बट देयर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर, लेकिन अब उसे लगा कि ये कौन सा प्राणी आ गया इस जंगल में जो कि एक भूत से मिलने के लिए उत्सुक है, कुछ लोग तो भूत से बचते हैं और वो मुझसे मिलना चाहता है, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो अब घोस्ट क्या कहता है कि रियली वाई यू लॉन्ग्ड टू मी, क्या सच में तुम्हें मैं इतना, मतलब झूठा, मैं तुम्हें झूठा क्यों लगा। तो उसने क्या कहा कि यही प्रूव करता है, विजय सिंह ने कहा कि यही प्रूव करता है, एक बोरिंग सी वॉइस में, कि यही प्रूव करता है कि तुम एक पागल घोस्ट हो, स्टुपिड, निकम्मे घोस्ट हो। क्यों? क्योंकि जो अच्छे घोस्ट होते हैं वो मन, इन हर एक आदमी के मन के विचार पढ़ लेते, लेकिन तुम तो घोस्ट के नाम पे एक धब्बा हो। तो फैक्ट क्या था कि अब उसने कहा कि यही फैक्ट है कि तुम एक घोस्ट क्यों नहीं हो, अच्छे घोस्ट क्यों नहीं। अब वो कहता है कि आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, मैं थक चुका था लोगों के साथ रेसलिंग कर करके, मैं लोगों के साथ रेसलिंग कर करके थक चुका था, अब मैंने सोचा कि मैं एक घोस्ट के साथ, भूत के साथ रेसलिंग करता हूँ। तो जो घोस्ट था उस स्पीचलेस हो गया, उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकला, उसको समझ में नहीं आया कि उसे क्या बोलना चाहिए। तो अब मार्शलिंग हिज घोस्टली वीट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह, अब जैसे सब अच्छे भूत करते हैं, उसने एक बार विजय सिंह को देखा और फिर कहा स्कॉर्नफुल यानी तिरस्कारपूर्ण आंखों से, उसने कहा फ्रेंकली ही सेड, उसने कहा सच में यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रांग टू मी, वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा, विजय सिंह कहता है कि सच में तुम मुझे इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं लगते, तुम मुझे इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं लगते हो। और जो अपीयरेंस होती है एक अच्छे रेसलर को, एक अपने कॉम्पोनेंट की, अपने अपोजिट कॉम्पोनेंट की सिर्फ अपीयरेंस ही काफ़ी होती है। तो उसने कहा कि तुम अपना ही केस लो, कि तुम कह रहे थे कि तुम नटवर हो, लेकिन रियलिटी में तो तुम क्या हो, एक रेस्कल ऑफ गोस्ट, रेस्कल यानी एक बदमाश भूत हो। तो अगर अब तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ में कोई डाउट हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज हमने पार्ट 1 कर लिया है, कल की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। टिल देट बाय, टेक केयर।